force on a charge in magnetic field. Force on a charge in magnetic field. एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज है, राइट अब ये तभी होता है जब चार्ज मूविंग होता है. अगर चार्ज रेस्ट पे है तो फोर्स नहीं होगा. सो दैट इज द मैंडेटरी कंडीशन दैट इट शुड बी मूविंग. तो चार्ज ऑन, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज. तो इसको करेक्ट कर लो, क्या आएगा? मूविंग चार्ज. रेस्ट पे है तो नहीं होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट पे भी होती है, मोशन में भी होती है, और दोनों में इक्वल होती है. कितनी? क्यू इंटू ई, राइट. चलो यहां पर इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड एक पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सो दैट इट्स मेकिंग एंगल थीटा बिटवीन बी एंड वी. So the force on the charge is Q V cross B. Q V cross B. और magnitude के terms में देखेंगे तो Q V B sin theta. Direction? Direction कैसे निकालोगे? बोलो. हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है. मतलब ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का नहीं है, रूल फ्लेमिंग का है. कभी सोचो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ से लाएंगे, ठीक है. तो लेफ्ट हैंड आपका, इसमें ये तीन फिंगर्स, थंब, देन इसको कौन सी फिंगर बोलते हैं? इंडेक्स. और इसको मिडिल. और इसको भाई ये Ring. और ये छोटी उंगली, ठीक है. चलो ये थंब, ये पहली उंगली, ये दूसरी उंगली, ये तीसरी, ये चौथी. अब ठीक है, राइट. So the thumb, then pehli ungli, and then dusri ungli. ठीक है. This is force, this is magnetic field, and this is velocity. और ये ध्यान रखना, for positive charge होता है ये. Negative charge के लिए force निकालनी है ना, तो पहले positive के लिए निकाल लो और फिर उसका उल्टा कर दो, ठीक है, राइट. तो इस जो एक अभी मैंने फोटो बनाई हुई, इसमें कौन सी डायरेक्शन आएगी फोर्स की? अबे ये बनी हुई है फोटो, नहीं ये वी ऐसे जा रही है, ये बी ऐसे है और वी ऐसे है, और ये पॉजिटिव चार्ज है. कोशिश करो, देखो हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा. क्या बंदूक क्या चला रहा है? तो गैस गन की तरह कर रहा है, हैं? देखो ऐसे नहीं करते. ये पहली फिंगर, इसको ऐसे देखो कहाँ है, बी होती है ना, तो ये बी पे आ गई. अब इसको खोलो, ये वी पे होनी चाहिए, तो इसको ऐसे वी पे सेट कर दो. देखो हो गई. अब ये अंदर इनवर्ट, राइट. अब हाथ तो टेढ़ा होएगा, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है. और लेकिन जो समझदार आदमी होता है वो वी क्रॉस बी से निकाल लेते हैं. वी क्रॉस बी से कैसे निकलेगा? वी से बी की तरफ करो इनवर्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल. नहीं तो रूल तो ये फ्लेमिंग्स का है, वो तो जुगाड़ है. लिखो बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, निकालो क्रॉस प्रोडक्ट से. डायरेक्शन तो दोनों की सेम आएगी ना.
अब किसी को क्या पता तुमने कैसे निकाला, ठीक है, पर देख थोड़ी रहा है कि तुम हाथ घुमा के निकाल रहे हो कि कैसे निकाल रहे हो, राइट? बट तरीका यही है, बी एंड देन वी एंड देन यह दिस वन थंब, सो दैट इज व्हाट फोर्स इनवर्ड, इन दिस केस फोर्स क्या हो गई इनवर्ड, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होती आउटवर्ड हो जाते, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो आउटवर्ड हो जाते, राइट? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल motion of charge particle in magnetic field motion of charge particle in magnetic field first theta is equal to 0 और 180 थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 तो नो फोर्स, क्या नो फोर्स, राइट? सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री then F is equal to QVB, right? And force is perpendicular to velocity and force is perpendicular to magnetic field. Force velocity के भी perpendicular है और magnetic field के भी perpendicular है. Obviously cross product का जो result होता है वो दोनों के perpendicular होता है, ठीक है? जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है, राइट? जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम करती है. तो एज एफ परपेंडिकुलर टू वी सो एक्ट एज गुड सेंट्रीपिटल फोर्स and gives circular path of particle. जो charge particle को path मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ठीक है? तो circular path हो जाएगा, right? Now वो circular path को calculate करते हैं. मान लो ये इस पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन फोर्स की होगी, चार्ज कितना Q, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बताना, देखो ये एफ ये वी ऐसे, ये देखो ये वी ऊपर एफ इधर तो बी किधर बाहर, तू तो देख लिया होगा फोन पे इंटरनेट, अच्छा ऐसे ये वी ऊपर एफ इधर तो बी बाहर, तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है. आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये पूरे सिस्टम में आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? अब मान लो ये सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ये
radius of circular path. When we said magnetic field will act as centripetal force, magnetic force will act as a centripetal force. So the centripetal force equals magnetic force. Centripetal force kitna? Mv square by r. Or magnetic force qvb. Kyunki theta to 90 degree hai. Ye ek v cancel ho gaya. So r is equal to mv upon qb. That is what radius of circular path. The next is time period. Time period. Time period kya hota hai? Total distance kitna chala? 2 pi r upon speed. And 2 pi r is what? Mv upon qb upon v. Vv cancel kar do. So t is equal to 2 pi m upon qb. Frequency kya hoti hai? 1/3. Ye hoti hai 1 upon time period. To kitna aa gaya? Qb upon 2 pi m. Ab dekho interesting cheez. Ye time period as well as frequency do not depend on speed and radius. Yani independent of speed and radius hai. To kis pe depend karti hai? One magnetic field, another specific charge. Ek to factor ho gaya b, another specific charge. To ye in do factors pe depend karti hai. One magnetic field kitne hai aur dusre specific charge.